नमस्कार दोस्तों आपका मेरे चैनल में स्वागत है आज मैं आपको सीता माता की नित्यनेम की कहानी सुनाने जा रही हूं अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में सीता मैया की जय अवश्य लिखिए साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें राम आए लक्ष्मण के पुजारी ने नेम लाए और राम बैठू राम माखन मिश्री राम राम के लिए पर भंडार सबका बेड़ा पार करें जय श्री राम जय हो और माता सीता कहती थीं और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे एक दिन भगवान श्री राम को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो माता सीता कहने लगी भगवान अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी तब भगवान राम ने कहा कि कुएं के पास जाकर बैठ जाइए और वहां औरतें पानी भरने आए उन्हें अपनी कहानी सुनाना सीता माता वहां जाकर बैठ गई एक औरत वहां पानी भरने आई उसने रेशम की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था उसे देख कर कहते हैं कि बहन तुम मेरी कहानी सुन लो वह स्त्री बोली मैं तुम्हारे लूंगी तो तुम मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और उसने नहीं सुनी और वह चली गई आगे चलकर उसकी साड़ी फट गई सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया सास ने देखा तो पूछा कि किस दोसश को अपने घर लेकर आई है बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी जिसका यह फल मिला बहू की बात सुनकर अगले दिन वहीं साड़ी और घड़ा लेकर सांस कुएं के गई वहीं माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा बहन मेरी कहानी राम लक्ष्मण ने राम तपस्वी माखन मिश्री मणियार सबका बेड़ा पार करें राम जय राम जय जय राम वह औरत कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी कहानी सुनकर साथ चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की बन गई मिट्टी का घड़ा फिर से सोने में बदल गया बहू कहने लगी सासू माँ आपने यह सब कैसे किया सास ने कहा कि बहू दोस्त लगाकर आई थी और मैं अब दोस्त उतार कर आ रही बहू ने फिर पूछा कि कुएं वाली स्त्री कौन थी सास ने कहा वह माता सीता थी वह पुराने नया घर में भंडार लक्ष्मी का वास में आदमी की इच्छा उसे पूरा करने की कहानी मुझे तुम ही सुनो कहानी शुरू की राम राम जी राम राम जी और सुख के पल का उठो राम सा राम सा राम 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 हमारे घर पर सबका बेड़ा पार करें श्री राम जय राम जय जय राम कहानी सुनकर तो बहुत अच्छी लगी अब नहाते धोते और पूजा करने के लिए ने सीता की कहानी कहते हैं उनके यहाँ पड़ोस की औरतों और बहन अभी हमने ही पड़ोसन ने कहा कि सुबह उठकर क्या करती उन्होंने कहा कि सुबह उठकर पूजा करते फिर माता सीता की नीत नेम की कहानी कहते पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर सीता माता की कहानी कहने में क्या इन आधुनिक कहने से घर में भंडार भर जाते हैं सारे काम सिद्ध होते मन की इच्छा पूरी होती पड़ोसन कहती है ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो फिर वो बोली तुम भी राम लक्ष्मण की पूजा करने और राम राम तपस्वी जी राम के घर भंडार सबका बेड़ा पार करें जय श्री राम कहानी कहने लगी मुझे बहुत अच्छी लगी अब भी सीता माता की कहानी कहने सीता माता ने पड़ोसन के जैसे आपने भंडार हमारे भीतर है अपनी सुनने वालों के और कहानी कहने वालों के भी सबके भंडार जाते हैं सीता माता का आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें धन्यवाद